हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? हाउ वाज योर वेकेशन? आई होप यू ऑल आर एंजॉय इट वेरी वेल। नाउ लेट्स मूव टू अवर चैप्टर नंबर 7, प्रोसीजर इन लोगो। प्रीवियसली हमने सीखा था व्हाट इज प्रोसीजर, हाउ टू डिफाइन अ प्रोसीजर, देन आफ्टर हाउ टू एडिट अ प्रोसीजर, सेविंग प्रोसीजर, लोडिंग प्रोसीजर एंड इरेज प्रोसीजर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूजिंग अ कलर। यू कैन चूज टू ड्रॉ इन कलर एंड ऑल्सो टू फिल इन कलर इन अ ड्रॉइंग। जो हम ड्रॉइंग करते हैं हमारे MS लोगो में, उसको हम कलरफुल ड्रॉइंग भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमारे टर्टल की मदद से जो ड्रॉ होता है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। सो हाउ वी यूज कलर, लेट्स सी। ड्रॉइंग इन कलर, फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन सेट, देन आफ्टर पेन कलर। हमारे MS लोगो में हम यहाँ पर सेट मेनू में जाकर क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा पेन कलर। Then after step 2, choose the pen color in the pen color dialog box। जब हम यहाँ पर set पर क्लिक करेंगे तब हमें यहाँ पर लिस्ट मिलेगा, उसमें से हम चूज करेंगे pen color। जब हम pen color चूज करेंगे तो हमें एक ऐसा dialog box मिलेगा। Then after यहाँ से हम हमारा pen का color जो है वो चूज कर सकते हैं। Okay? So choose your color from here and then click on OK. Logo will now draw in the chosen color. Then after हम जो भी drawing करेंगे वो drawing हमारी जो color हमने choose किया है उस color के according draw होगी। यहाँ पर choose किया है pink color. So आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा circle draw हुआ है वो है pink color में। Okay? तो ऐसे हम हमारी ड्राइंग को कलरफुल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फीलिंग कलर, हाउ टू फील अ कलर इन आवर ड्राइंग। लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन सेट, देन आफ्टर फ्लूइड कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सेट मेनू में क्लिक करेंगे, देन आफ्टर यहाँ से हम चूज करेंगे फ्लूइड कलर ऑप्शन। ओके, देन आफ्टर चूज द फ्लूइड कलर इन द फ्लूइड कलर डायलॉग बॉक्स। जैसे यहाँ पर हमें पेन कलर का डायलॉग बॉक्स मिलता है, वैसे ही फ्लूइड कलर में हमें फ्लूइड कलर डायलॉग बॉक्स मिलता है। वहां से हम चूज करेंगे हमारा कलर जो हमें शेप में फील करना है। सी, इट इज अ सेट मेनू। यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर है पेन कलर ऑप्शन, देन आफ्टर नेक्स्ट इज फ्लड कलर ऑप्शन। ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें फ्लड कलर डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें से हम हमारा कलर चूज कर सकते हैं। ओके, आफ्टर चूजिंग कलर क्लिक ऑन ओके। ओके, नाउ व्हेन यू टाइप अ सर्कल इन द इनपुट बॉक्स द सर्कल विल गेट ड्रॉन। To fill it with the chosen color, you have to bring the turtle inside the circle and give the fill command. Okay? Then after हम circle draw करेंगे तो हमारी screen पर हमारा circle draw हो जाएगा। और अगर हमें उस circle में color fill करना है तो first of all हमें हमारा turtle जो है उसे inside the circle place करना होगा। ओके, देन आफ्टर गिव द फिल कमांड टू फिल कलर इन इट। लेट्स सी, फर्स्ट हम हमारे टर्टल को मूव करेंगे सर्कल के इनसाइड। सो RD 90, PU FD 50। दिस वन इज अ न्यू कमांड। PU इट मींस कि पैन अप, हमारा सर्कल विदाउट एनी ड्रॉइंग मूव होगा। ओके, This will bring the turtle inside the circle without drawing a line. अगर हम without using PU command हमारा circle move करेंगे तो line draw हो जाएगी, लेकिन using
PU command, it means ki pen up command, we can move the turtle without drawing a line. The circle will get filled with the chosen color. Then after here we write fill command to get filled with the chosen color. Okay. You can also change the screen color by selecting screen color from the set menu and choosing a color from the screen color dialog box. Try it yourself. जैसे हमने pen color change किया, हमारे सेब का कलर फिल किया, वैसे ही आप स्क्रीन कलर भी चेंज कर सकते हो. लेट्स सी, यहाँ पर जो सेट का लिस्ट है उसमें यहाँ पर हमें आफ्टर अ फ्लूड कलर ऑप्शन मिल रहा है स्क्रीन कलर. उसको सिलेक्ट अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें स्क्रीन कलर डायलॉग बॉक्स मिलेगा. उसमें से जो भी कलर हमें चूज करना है वो कलर हम चूज करके हमारी स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं. ओके, ये आप अपने आप ट्राई करोगे. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज वर्कआउट. फर्स्ट वन, ड्रॉ अ सर्कल इन रेड कलर ऑन येलो बैकग्राउंड एंड फिल इट विथ ग्रीन कलर. इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा पेन कलर होगा रेड. Then after हमारा स्क्रीन कलर होगा येलो एंड हम उस सर्कल में कौन सा कलर फील करेंगे, ग्रीन कलर. ओके, तो यहाँ पर आपको तीनों कलर सेट करने हैं, पेन कलर, फ्लूड कलर एंड स्क्रीन कलर. ओके, देन आफ्टर सेकेंड वन, राइट अ प्रोसीजर फॉर ड्रॉइंग एंड इक्वालिट्रल ट्राइंगल अ स्क्वायर एंड अ regular pentagon each of side 100. Test to see if they give correct result. Save them as a triangle 100, square 100 and pentagon 100. Note that there should be no space between triangle and 100 in the name. यहाँ पर हमें procedure define करनी है square, pentagon और triangle के लिए. Okay? और यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसीजर नेम है वो हम ओनली वन वर्ड में ही दे सकते हैं. सो देर इज नो स्पेस बिटवीन ट्राइंगल एंड 100 इन द नेम ऑफ प्रोसीजर. ओके, ये वर्कआउट हम हमारी लैब में परफॉर्म करेंगे. ओके, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप अपनी रफ बुक में ट्राई कर सकते हो. ओके, then after next one is procedure with parameter. अब तक जो procedure हमने सीखी वो सारी without parameters थी. It means कि हमने जो procedure सीखी वो सारी simple procedures थी. अब हम सीखेंगे procedure with parameter. You can define a procedure for making square of side 100 as follow. अगर हमें 100-100 साइड का स्क्वायर ड्रॉ करना है तो हम सिंपली प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हैं, लाइक टू स्क्वायर. इट मींस कि यहाँ पर हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे विद द वर्ड टू एंड प्रोसीजर नेम इज स्क्वायर. देन आफ्टर हमारा कमांड रिपीट फोर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट FD 100 RT 90 square bracket over and procedure end. तो यहाँ पर हमारा 100-100-100 side का square बन जाएगा. To draw squares of side 50, 150 or 200, you have to define a separate procedure. अगर हमें 50, 150 या फिर 200 sides के different squares draw करने हैं तो हमें सेपरेट प्रोसीजर्स डिफाइन करनी पड़ती है. हाउएवर यू नीड नॉट डू दिस. लेकिन अब हमें वो सेपरेट प्रोसीजर्स डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कैन डिफाइन अ प्रोसीजर फॉर ड्राइंग अ स्क्वायर बाय गिविंग अ पैरामीटर. इट मींस कि हम डिफरेंट साइड के स्क्वायर्स ड्रॉ करने के लिए हमारी प्रोसीजर में पैरामीटर ऐड करके ये इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ वी कैन
use parameters say x as the side of the square. यहाँ पर हम x as a parameter set करेंगे. The value of x can be given when you execute the processor. और जो हमारा parameter है उसकी value जब हम processor execute करेंगे तब वहाँ पर define करेंगे. Define the processor for a square with parameters as follows. Let's see. 2 square then after colon x. यहाँ पर हम हमारी processor define करेंगे with the parameter. यहाँ पर ये जो है वो है हमारी प्रोसीजर का नेम. देन आफ्टर कॉलन एक्स. कॉलन एक्स जो है वो है हमारी प्रोसीजर का पैरामीटर. एक्स इज द पैरामीटर गिवन इंस्टेड ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. द कॉलन टेल्स द कंप्यूटर दैट द एक्स इज अ पैरामीटर. यहाँ पर जो एक्स पैरामीटर है वो हम डिफाइन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. एंड जो कॉलन है वो हमारे कंप्यूटर को इंडिकेट करता है कि x जो है वो है पैरामीटर. देन आफ्टर रिपीट 4 fd कॉलन x एंड rt 90 एंड प्रोसीजर एंड. सिंस द फॉरवर्ड मूवमेंट शुड बी इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर द पैरामीटर x विथ अ कॉलन बिफोर इट इज यूज्ड. ओके नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोसीजर. नाउ when you type square 200 and press enter, square of the side 200 is drawn. It means कि यहाँ पर जब हमारी processor execute करेंगे तब हम उसके साथ define करेंगे x की value. It means हम यहाँ पर parameter define करेंगे. Okay? So square 200, then after square 100 and square 50. So, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे हमने प्रोसीजर एग्जीक्यूट की उस साइजेस के स्क्वायर यहाँ पर हमारे ड्रॉ हो गए. ओके तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं प्रोसीजर विथ अ पैरामीटर. देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज वर्कआउट. डिफाइन द प्रोसीजर फॉर अ सर्कल विथ पैरामीटर y. यूजेस टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ इंक्रीजिंग साइज. Use a fluid color to color different circle in different colors as shown. Let's see. Hint. The turtle has to be taken to its separate region. Fill color in it. यहाँ पर जैसे हमने सीखा different different sizes के square draw करना, वैसे ही यहाँ पर आपको different different sizes के circle draw करने हैं और उसमें color fill करना है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है. तो ये वर्कआउट आप अपनी रफ बुक में ट्राई करोगे, अदरवाइज हम हमारी लैब में ये वर्कआउट परफॉर्म करेंगे. ओके देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर विद इन अ प्रोसीजर. सपोज यू वांट टू ड्रॉ अ हाउस एज सोन. यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड अ प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ स्क्वायर ऑफ साइड 100 एंड अनदर प्रोसीजर फॉर ड्रॉइंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 100. अगर यहाँ पर जो हाउस दिया गया है वैसा हाउस हमें ड्रॉ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग अ प्रोसीजर विद इन अ प्रोसीजर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्वायर यहाँ पर है वैसा ही स्क्वायर ड्रॉ करने की हमने प्रोसीजर ऑलरेडी क्रिएट की है और सेम ही ट्राइंगल ड्रॉ करने की भी प्रोसीजर हम क्रिएट कर लेंगे. ओके यू can now use both this processor to define another processor for making the house. और जो triangle और square की processor है उन दोनों processor की मदद से हम house create करने की processor write down कर सकते हैं. So here we use processor within a processor. Let's see. First हम यहाँ पर processor create करते हैं जिसका नेम है हाउस. टू हाउस देन आफ्टर स्क्वायर 100. इट मींस कि यहाँ पर जो प्रोसीजर हमने क्रिएट की उसके अंदर हमने हमारी दो प्रोसीजर यूज की जो हमने ऑलरेडी डिफाइन की थी प्रीवियसली. ओके सो यहाँ पर स्क्वायर 100. इट मींस कि हमारा जो स्क्वायर है यहाँ पर वो स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा. ओके तो
हमारा स्क्वायर यहाँ पर 100 साइड का ड्रॉ हो जाएगा. देन आफ्टर पी यू इट मीन्स की पेन अप एफ डी 100, यहाँ पर हमारा टर्टल 100 स्टेप फॉरवर्ड मूव होगा. देन आफ्टर पी डी इट मीन्स की पेन डाउन. ओके, जब हमारा स्क्वायर यहाँ से ड्रॉ होगा तो लास्ट में हमारा टर्टल होगा यहाँ पर. देन आफ्टर यहाँ से हमें ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है, इसलिए 100 स्टेप मूव हो रहा होगा, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेन अप कमांड का. क्योंकि जब हम फॉरवर्ड मूव होंगे तो अगर हमने पी यू कमांड यूज नहीं किया है तो यहाँ पर अगेन एक लाइन ड्रॉ होगी. मीन्स की यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम पेन अप कमांड. देन आफ्टर एफ डी 100 एंड अगेन पेन डाउन. इट मीन्स की यहाँ से पेन डाउन करके अगेन हमारी ड्रॉइंग स्टार्ट होगी. देन आफ्टर आर टी 30 मीन्स की हमारे टर्टल का एंगल चेंज होगा. देन आफ्टर ट्राइंगल 100 और 100 साइड का ट्राइंगल ड्रॉ होगा एंड प्रोसीजर एंड. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक न्यू प्रोसीजर क्रिएट की यूजिंग टू अनदर प्रोसीजर. ओके, तो ये हमारा हाउस ड्रॉ हो गया. देन आफ्टर लेट सी द वर्कआउट. Define procedure for making a rectangle and semicircle using this. Define a procedure to draw a house with rectangular front wall and semicircular roof. Color the roof and roof red and the wall green. यहाँ पर हमें एक another process create करनी है for making a rectangle and semicircle. तो जैसे यहाँ पर square and triangle की हमने प्रोसीजर क्रिएट की, वैसे ही यहाँ पर क्रिएट करनी है रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल. ओके, अगर आपको ट्राई करनी है तो रफ बुक में आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज हमारी लैब में हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. ओके, देन आफ्टर एक्सरसाइज. फर्स्ट वन, राइट अ टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, ईच प्रिमिटिव एंड लोगो प्रोग्राम मस्ट बी रिटर्न इन अ सेपरेट लाइन. सो आंसर इज True. Second one, a polygon with a small number of sides look like a circle. So your answer is false. Third one, you can use two words for naming a processor. So answer is false. Fourth one, when using the erase command, it is necessary to give a double inverted commas before the name of the processor. So answer is true. Fifth one, to feel color in a picture, the turtle must be inside the picture. So answer is true. Sixth one, you need to define only one processor with parameter to draw square of different sizes. Here answer is true. Seventh, you can have a processor within a processor. So here it is true. Second question, fill in the blanks, choose from the box. First blank is, if your logo program has the same line repeated many times, you can replace the line with only one line containing the blank command. So your answer is repeat command. Second one, a blank is a set of primitives that can perform a certain task. So your answer is procedure. Procedure is a set of primitives that can perform a certain task. Third one, the blank box appear when you want to define a processor. So your answer is two more box. Next, you have to type blank to end a processor. So your answer is end command. Fifth one, to edit a processor, press the blank button. So your answer is eat all button. Sixth one, when you define a processor, it gets saved in the blank memory of the computer. So answer is primary memory. Next question, take the correct answer. First one, a processor has blank parts. Processor has three parts. Second one, the blank command open a saved processor. So your answer is load command. Third one, the first and last command in a processor should be blank and blank respectively.
So your answer is 2 and. Fourth one, which of these command will draw a semicircle? So your answer is repeat 18 FD1 RD10. And last one, the eagle button open the blank. So your answer is editor window. So now our chapter is over. If you have any query, so please ask me.